नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके एजुकेटर में। दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यूपी बोर्ड रिजल्ट के बारे में। बहुत सारे वीडियो YouTube पर आ रहे हैं, फेक वीडियो भी आ रहे हैं कि इस दिन आ जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में जो है हम आपको एग्जैक्ट डेट यूपी बोर्ड रिजल्ट की बताने वाले हैं और उसका प्रूफ भी देंगे कि बोर्ड की जो सचिव हैं नीना श्रीवास्तव, उन्होंने बताया है कि कब आएगा आप लोगों का रिजल्ट हाई स्कूल और इंटर का। तो इसलिए आप वीडियो पे बने रहिए अंत तक। और उससे पहले भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि यूपी बोर्ड की ऐसी सारी लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बड़ी न्यूज आपके सामने है कि यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019, यूपी बोर्ड का रिजल्ट जल्द, बोर्ड की अधिकारी ने कही ये बात। देखिए यूपी बोर्ड रिजल्ट अप्रैल के मध्य में जारी कर दिया जाएगा। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट्स upmsp.edu.in पर और upresults.nic.in पर जारी किया जाएगा। ये वीडियो हमने ऑलरेडी आपको बना के दे रखी है कि आप कैसे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं रिजल्ट। देखिए खास बातें जो हैं कि यूपी बोर्ड रिजल्ट जो है अप्रैल के मध्य में आएगा, 15 से 20 अप्रैल के बीच में। रिजल्ट वेबसाइट upmsp.edu.in पर आएगा। यूपी बोर्ड को 58 लाख स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी करना है। इस बार 58 लाख स्टूडेंट्स है, पिछले ईयर में ये 55 लाख थे। पूरी न्यूज़ देखिए बताते हैं कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट, यूपी बोर्ड रिजल्ट जल्द ही जारी कर देगा। यूपी बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव ने NDTV को बताया यूपी बोर्ड रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने यह भी कहा कि रिजल्ट अप्रैल में ही जारी होगा। उनके मुताबिक रिजल्ट अप्रैल के मध्य में जारी किया जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट इन पर जारी किया जाएगा। स्टूडेंट्स इन वेबसाइट पर ही अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। बता दें यूपी बोर्ड को 58 लाख स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी करना है, इसलिए बोर्ड सावधानीपूर्वक काम कर रहा है। यूपी बोर्ड ने इस बार परीक्षा में नकल रोकने के लिए भी कई कड़े कदम उठाए थे। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 7 फरवरी शुरू होकर 28 फरवरी 2019 को खत्म हो गई थी। पिछले साल यूपी बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 29 अप्रैल 2018 को जारी किया गया था, तब 55 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। पिछले साल कक्षा 10 में 75.16% स्टूडेंट पास हुए थे। तो देखिए जो बोर्ड सचिव है नीना श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स, 58 लाख हैं, तो इसलिए सावधानीपूर्वक काम किया जा रहा है। और इस बार जो उन्होंने ये भी कहा कि रिजल्ट पिछले वर्ष से अच्छा आने की उम्मीद है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट जो है वो अप्रैल के तीसरे सप्ताह में घोषित होगा, और आज वही बात बोर्ड की जो सचिव है नीना श्रीवास्तव ने भी कह दी। तो दोस्तों आप लोग रिजल्ट के लिए तैयार रहिए, रिजल्ट पिछली बार से बेहतर होगा, ऐसा बोर्ड सचिव ने भी जो है उम्मीद जताई है। और किसी भी बोर्ड यूपी बोर्ड की किसी भी अपडेट के लिए, छोटी या बड़ी के लिए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आपके एग्जाम चल रहे थे तब ही हमने आपको ये सूचना दे दी थी कि आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल के तीसरे सप्ताह में आ जाएगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप हमारी वीडियोज़ में जाइए, प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो हमारी पड़ी हुई हैं। जब आपके एग्ज़ाम चल रहे थे हमने फरवरी में ही आप लोगों को बता दिया था कि आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें किसी भी छोटी या बड़ी यूपी बोर्ड की अपडेट के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोज स्कॉलरशिप और न्यूज़ से, एजुकेशनल न्यूज़ से रिलेटेड लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।